खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। भुसावर निकटवर्ती गांव छोकरबाड़ा कला में बीजेपी ग्रामीण मंडल की बैठक पूर्व सांसद रामस्वरूप कौली की मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सत्येंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में भरतपुर नगर निगम की पूर्व महापौर सुमन कौली रही। आयोजित बैठक में बीजेपी दल को और शक्तिशाली बनाए जाने, पन्ना प्रमुख की नियुक्तियों, सदस्यता अभियान चलाने, 21 अप्रैल को भुसावर में रक्तदान शिविर आयोजित करने आदि पर प्रकाश डाला। बैठक में पूर्व सांसद रामस्वरूप कौली ने कहा कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश की आम जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार दलितों और महिलाओं पर अत्याचार रेप की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, प्रदेश में कानून नाम की कोई नीति नहीं है। इधर भरतपुर की पूर्व महापौर सुमन कौली ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस को हटाना है तो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन में बिना किसी भेदभाव के कार्य करना चाहिए। इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बीजेपी की रीति नीति से जन जन को अवगत करवाना होगा। बीजेपी की बैठक में पूर्व जिला प्रमुख द्वारिका प्रसाद गोयल ने कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक नामों को जोड़ना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से चुनावी कार्य में जुट जाना चाहिए। बैठक में राजू पथेना, जितेंद्र शिवा, पंडित गजेंद्र सिंह चौधरी, नेमी चंद, रॉकी पथेना, रामेश बाबा, प्रभात रंजन योगी, अशोक सरपंच, लक्ष्मण आदि मौजूद रहे। मंडल भुसावर की मैं सत्येंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें सशक्त मंडल और बूथ और पन्ना प्रमुख पर चर्चा की गई और 21 तारीख को होने वाले हमारे ब्लड कैंप के योजना के तहत जो भरतपुर जिले के जिला चिकित्सालय द्वारा एक विज्ञप्ति अखबार में आई कि हमें ब्लड की बहुत आवश्यकता है, बहुत कमी है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेश जी ने सभी विधानसभाओं में 250 यूनिट का लक्ष्य लिया है। हर विधानसभा से 250 यूनिट का लक्ष्य लेते हुए आज हमें मीटिंग का आयोजन किया और सबको लक्ष्य दिया कि सबको हमें ब्लड यूनिट देना है। और उसी दिन माननीय भारतीय जनता पार्टी के उपनेता राजेंद्र राठौर का जन्मदिन है, उसको देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह किया है कि भरतपुर में ब्लड की कमी को देखते हुए सभी अपना यूनिट दें। जय हिंद, जय भारत।